नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। रैपिड सीरीज के नाम से हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज का फायदा कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में दिख भी रहा है। कई सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिल रहे हैं। 30-31 को जो एग्जाम होने वाले हैं, अगर मैं पूरा पेपर की एनालिसिस करूं तो पूरे पेपर के एनालिसिस में जिस तरीके के पॉसिबल क्वेश्चन बन पा रहे हैं, उन सारे पॉसिबल क्वेश्चन को हम लोग रख रहे हैं। तो सारे लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग प्लेलिस्ट पे जाएं, फॉलो करें प्लेलिस्ट को। उसमें जीके के जितने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को कवर किया गया है और मिनिमम आपके कम टाइम में 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आपके मैक्सिमम जो आपकी वीडियो है वो 13 मिनट की वीडियो है। सारी चीजों का एक कंपाइलेशन है वो, तो उसे आप जरूर देखें। ध्यान रखिएगा, आज हम शुरू करेंगे फुल फॉर्म। मैंने पूरी स्टडी करी है फुल फॉर्म से जितने रिलेटेड आपके बन सकते हैं, हर पॉसिबल 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसमें। मतलब 100 क्वेश्चन से प्लस है, लेकिन 100 क्वेश्चन एक बार देख के जाइएगा, एक बार आप समझ के जाइएगा, सारी चीजें आपके लिए क्लियर कट हो जाएंगी, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलेंगे क्योंकि आपके 100 प्लस क्वेश्चन है तो इसमें टाइम भी लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एडीबी का फुल फॉर्म। देखो, एशिया का जो विश्व बैंक कहा जाता है वो एडीबी को कहा जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। एपीएफसी की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका सही आपका फुल फॉर्म होता है। एपीएल के बारे में बात करूं मैं, एपीएल बीपीएल सुना है ना, एपीएल आपका एबव पॉवर्टी लाइन होता है, एक बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये जो आपका है एपीएल है और बीपीएल आपका बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाता है, ठीक है। आसियान जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उनके आपके अगर मैं बात करूं तो उनका जो एसोसिएशन होता है उसको हम साउथ एशियन एसोसिएशन कहते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो आपका होता है वो एटीएम होता है, ध्यान रखिएगा। AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी आपका जो सिंड्रोम कहलाता है वही आपका सही जवाब होगा, ठीक है। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अगर मेडिकल साइंस के बारे में बात करोगे तो आंसर आपका सी हो जाएगा यहां पर। AIR देखो, AIR के दो रूप होते हैं, एक तो ऑल इंडिया रेडियो हो जाएगा और ऑल इंडिया रैंकिंग हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे ऑल इंडिया रेडियो भी होता है और ऑल इंडिया रैंकिंग भी होती है, तो दोनों आप देख लीजिएगा इसके बारे में। आप इसके बारे में जो भी पूछेगा आप आंसर कर लीजिएगा। ASCII ये अमेरिकन स्टैंडर्ड का एक कोड होता है, किस चीज के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में, कंप्यूटर लैंग्वेज में इसका यूज किया जाता है। ACU का क्या मतलब है, एशियन करेंसी यूनियन जो होता है आपका, ये आपका कहलाता है आपका 10 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसोर्स सेंटर की अगर मैं बात करूं तो आंसर आपका बी हो जाएगा यहां पे 11 का आंसर बी। बीबीसी जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन होता है ना, बीबीसी पहले आपने देखा होगा ना, बीबीसी आपके न्यूज भी आते थे, ये बीबीसी लंदन है ऐसे बोला जाता था ना। इंदिरा गांधी के जो मरने की सूचना सबसे पहले किस न्यूज, किस टीवी रेडियो चैनल ने बताया था, तो बीबीसी, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता था। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक मानक होता है, उन मानकों के बारे में जो स्टैंडर्ड सेट करता है वो आपका BIS होता है। बात करेंगे बिलो, देखो बिलो पॉवर्टी लाइन आपका आ गया बीपीएल के बारे में, ठीक है। कह रहा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है आपका, ध्यान रखिएगा। CAD के बारे में अगर मैं बात करूं तो CAD जो होता है CAD, अगर 16 नंबर के क्वेश्चन में मैं बात करूं तो CAD का जो होता है कैपिटल अकाउंट डिफिसिट होता है, यानी पूरी जो अकाउंट है उनमें अगर आपका क्या कमी की बात करें तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट होता है, ठीक है। कार CAR का मतलब क्या होता है, तो CAR जो होता है वो होता है आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। आपने दो रेशियो देखा, कौन सा आपका, कैड देखा कैपिटल अकाउंट डेफिसिट और आपने देखा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में, ठीक है। केयर का फुल फॉर्म क्या है, तो केयर का जो फुल फॉर्म है ना वो आपका क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड है, ध्यान रखिएगा ए आंसर हो जाएगा। CBS CBS बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में यूज किया जाता था, अब कंप्यूटराइज जितने भी आपके सोल्यूशन हो जाते हैं यानी कोर बैंकिंग सोल्यूशन आपके CBS कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। COD का, COD आप लोग जब कोई सामान लेते हो तो कहते हो ना कि हमारे पास ऑनलाइन पैसा हम नहीं देंगे, हम COD कर देंगे यानी कैश ऑन डिलीवरी कर देंगे, आपका आंसर जो आएगा वो सी आ जाएगा, ठीक है।
सीपीसीबी की अगर मैं बात करूं तो सीपीसीबी का मतलब होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीआरएसी का अगर मैं बताऊं तो इसका आंसर होता है साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी जो काउंसिल होता है, वो आपका जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बी आंसर। क्रिसिल के बारे में अगर मैं बताऊं आपसे तो क्रिसिल जो होता है वो आपका कौन सा होता है, तो क्रिसिल जो होता है वो आपका क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, आपका आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं सीएसआईआर के बारे में, सीएसआईआर जो होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसी के द्वारा ध्यान रखेंगे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए साइंस के क्षेत्र में सीटीबीटी जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव जो आपका है ना टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका सही जवाब आपका ये हो जाएगा। परमाणु जो संधि होती, परमाणु जो आपके टेस्ट होते हैं ना उन रासायनिक चीजों पर जो आपके रोकथाम की बात करता है सीटीबीटी, जो इसके संधि पर हस्ताक्षर किया होगा। सीटीटी के बारे में अगर 26 नंबर के क्वेश्चन में मैं बात करूं तो सीटीटी का मतलब क्या होता है, तो ये देखेंगे आपका सी यानी कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स जो होता है वो आपका सीटीटी होता है। सीवीआरडीई का मतलब क्या होता है, देखो वी से तो आपका व्हीकल हो जाएगा, वी से आपका क्या हो जाता है, वी से तो आपका व्हीकल हो जाएगा और आंसर जो आएगा इसमें कॉम्बैट व्हीकल, जो लड़ाई के लिए व्हीकल यूज किया जाता है उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो होता है आपका इसी का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। डीओडी, अगर डीओडी के बारे में मैं बात करूं तो डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा। डीआरडीओ का क्या अर्थ है, डीआरडीओ के बारे में अगर मैं बताऊं तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका वो डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपका 29 का जो आंसर हो जाएगा वो 29 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा कि डी होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डी हो जाएगा ना कि ए होगा आंसर, हटा दो इसको। एडुसेट, एजुकेशन सैटेलाइट जो होता है, एजुकेशन सैटेलाइट, ये एडुसेट एजुकेशन सैटेलाइट आपका आंसर डी हो जाएगा इसमें। चलिए ईएफए क्या होता है, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, ठीक है। ईएफटी का मतलब क्या होता है, देखो ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, अगर इसी में एन लग जाए तो एनईएफटी हो जाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। चलिए बात करते हैं ईएमआई, ईएमआई आप भरते हो ना तो ईएमआई भरने के बारे में क्या करोगे आप, इक्वेटेड मंथली जो इंस्टॉलमेंट होता है ना, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट वही आपका क्या होता है, ईएमआई होता है, ठीक है। ईएसए का मतलब क्या होता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो होती है वो आपकी क्या है, वो आपकी ईएसए है। एफएओ, इसका मुख्यालय रोम में है, 1945 में स्थापित हुआ था, खाद्य सुरक्षा के लिए बात करता है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है आपका एफडीआई होता है, ठीक है। कह रहा फेमा क्या है, फेमा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो होता है वो आपका फेमा है, इसी के रिलेशन में आपका फेरा होता है जो किसके फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, ए आंसर हो जाएगा इसका। एफएसएसए क्या है, देखो एफएसएसए जो आपका है ना ये भारत में इंडिया में फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के बारे में बताता है, तो ध्यान रखेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी जो है आपका वही बी आंसर क्लियर हो जाएगा। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पता है आपको इसके बारे में, ठीक ना। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, ये भी सही हो गया आपका 42 का ए की जरूरत ही नहीं है। जीपीओ जो जनरल आपका पोस्ट ऑफिस होता है वही आपका क्या है, आपका वही आपका सी हो जाएगा, जनरल पोस्ट ऑफिस यानी जो पोस्ट ऑफिस नहीं है, एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो इसे पोस्ट ऑफिस, हाँ बिल्कुल सही, पोस्ट ऑफिस, पोस्टल ऑफिस नहीं होता है। जीपीएस, जीपीएस होता है ना मोबाइल में जीपीएस ऑन कर देना, यानी आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है, आप किस जगह पे हो, तो वही आपका जवाब ए हो जाएगा, 45 का ए हो जाएगा। बात करेंगे 46 जीएसएलवी, जो आपका जियो सिंक्रोनस सिस्टम लॉन्च व्हीकल होता है ना आपका 46 का, ध्यान रखेंगे आपका जियो स्टेशनरी नहीं होता, जियो सिंक्रोनस हो जाएगा। जियो सिंक्रोनस किस चीज के बारे में, आपके सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि जो आपके मानव के विकास सूचकांक के बारे में बात करता है। एचडीटीवी हाई डेफिनेशन जो टेलीविजन होता है आपका एचडीटीवी कहलाता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होता है आपका, मार्किंग लैंग्वेज सही, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज
ये आपका कौन सा होता है, तो मार्कअप लैंग्वेज सी आंसर हो जाएगा ना, मार्कअप लैंग्वेज हो जाता है। एचटीटीपी क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सही जवाब आपका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है आपका ए होता है। IAEA क्या है, ये आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है, आपका 51 का जो हो जाएगा वो 51 का क्या हो जाएगा एटॉमिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एसोसिएशन नहीं एजेंसी होती है ये, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय आपके ऑस्ट्रिया वियना में है, ठीक है। बात करते हैं IFC अंतरराष्ट्रीय वित्त आयोग, यानी आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, सही जवाब आपका ये हो जाएगा। बात करते हैं ISO के बारे में, जो इंटरनेशनल लेवल पर क्या करता है, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, मानक प्रदान करता है किसी चीज के बारे में, स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, आंसर आपका ए हो जाएगा। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपका, इसका मुख्यालय आपके बेंगलुरु में है, 1969 में स्थापित हुआ था। ISS क्या है आपका, ISS आपका है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो आसमान में है, आपको पता नहीं स्पेस में है ये, ठीक है। IST इंडियन जो आपका स्टैंडर्ड टाइम होता है उसे IST कहते हैं। KYC नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानो भाई, कहते ना जाके KYC करा लो। लेजर क्या होता है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अगर मैं 59 नंबर के क्वेश्चन में बात करूं मैं, तो 59 का आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नबार्ड का भी ए हो जाएगा, क्योंकि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, देखने से ही लग गया सीधे सीधे। नेशनल बैंक फॉर, इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाता है, जो बैंकों को, जो आपके कौन से, जो कृषि के क्षेत्र में आपके बैंक होते, कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला ऋण का काम करता है, ये काम आपका नेशनल बैंक फॉर हो जाएगा आपका, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। NASDAQ के बारे में अगर मैं बात करूं 61 नंबर के क्वेश्चन के बारे में, तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स एंड ऑटोमेटेड कोटेशन के बारे में, तो यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। NASCOM क्या होता है, ये आपका NASCOM जो होता है चैंबर से रिलेटेड होता है आपका, ठीक ना, यानी NASCOM बेसिकली चैंबर है, NASCOM आपका जो होता है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है। 62 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज जो हो जाएगा वही आपका ए आंसर हो जाएगा। नाटो का कंपनी आप जानते हो ना, नॉर्थ जो आपका अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका ए आंसर बिल्कुल सही जाएगा, बहुत बढ़िया। NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके गैर सरकारी संगठन होते हैं, NGO कहते हैं उसको, ध्यान रखिएगा। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। NHDP क्या होता है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो जाएगा, ये सही जवाब आपका सी हो जाएगा। NHRC बताइए, बताने की जरूरत नहीं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सही जवाब ए हो जाएगा। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, सही जवाब ए है। चलिए NSSO क्या होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सही जवाब आपका ए ही है, ठीक है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC होता है ना, यानी थर्मल प्रोडक्शन नहीं होता है, थर्मल पावर होता है, यानी ए ही इसका भी सही आंसर हो जाएगा। 69 का भी ए हो जाएगा। 70 NWDA क्या होता है, NWDA के बारे में अगर मैं बताऊं, तो NWDA जो होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, ये आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। NWRC क्या होता है, अगर NWRC के बारे में मैं बताऊं, तो NWRC आपका होता है नेशनल वाटर रीजनल रिसोर्स आपका काउंसिल, ये आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 72 ONGC क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनीज, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, सही जवाब आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। OPEC क्या है, जो आपके पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट कंट्रीज होती है ना, उनका मुख्यालय आपके वियना में है, इसका भी ध्यान रखेंगे। आपका 73 का क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। PAN क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर है, परमानेंट
अकाउंट नंबर सही है आपका, बिल्कुल सही, ठीक है। पीएसएलवी क्या होता है, अगर मैं 75 नंबर के क्वेश्चन में बात करूं मैं, तो पी मतलब पोलर हो जाएगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़िया, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना, आंसर आपका डी हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आपको पता ही है, ए आंसर, ठीक है। आरबीआई बताने की जरूरत नहीं, आगे भागो। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट करते हैं हम, आरटीजीएस से पैसा ट्रांसफर करते हैं, आपको पता है, ठीक है। आरएनडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आगे बढ़ते हैं। रडार क्या होता है, डिटेक्शन और रेंजिंग का जो काम करता है, यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का काम करेगा, सी आंसर बिल्कुल क्लियर है। आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ का ही एक क्या है, ये सीआरपीएफ का ही एक अंग है, ध्यान रखिएगा। एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संघाई सहयोग संगठन, इसका ध्यान रखेंगे। सेबी, सेबी जो होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 84 का जो आंसर हो जाएगा वो 84 का आंसर आपका डी हो जाएगा। बात करते 85, एसईजेड क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कहलाते हैं वो आपके एसईजेड में आ जाते हैं। सार्क क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो होता है आपका वो ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया। बात करते हैं सेल के बारे में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ट्राई, ट्राई जो है रेगुलेटरी अधिनियम है, किस पे, आपके टेलीकॉम पे, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी आपके अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया आंसर आपका ए हो जाएगा, बहुत सही। चलिए यूएन एफपीए क्या होता है, यूएन से यूनाइटेड नेशन हो गया, एफ से आपका फंड और आपका पी से पॉपुलेशन में एक्टिविटीज करने के लिए आंसर आपका ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया। यूनिसेफ क्या होता है, यूएन से आपका यूनाइटेड नेशन हो जाएगा, और क्या है ये है आपका इंटरनेशनल, आई से हो जाएगा, चिल्ड्रन के लिए है, इमरजेंसी फंड की बात करता है, बी आंसर बिल्कुल क्लियर है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बिल्कुल सही जवाब, यही आपका एचडीआई देता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देता है, ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे जो महबूबुल हक, उन्होंने एचडीआई प्रोड्यूस किया था। यूएफओ कहते ना आज यान दिखा है आसमान में उड़ते गए, तो यूएफओ क्या होता है, तो यूएफओ जो होता है वो अनआइडेंटिफाइड आपके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होते हैं, आंसर आपका ए हो जाएगा। बात करते यूजीसी के बारे में, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, आंसर आपका डी हो जाएगा। अंक टाड क्या होता है, अगर मैं 94 नंबर के क्वेश्चन में बात करूं अंक टाड के बारे में, तो ये होता है आपका यूनाइटेड नेशन किसके बारे में कॉन्फ्रेंस है, किसके कॉन्फ्रेंस, ट्रेड और डेवलपमेंट का, बिल्कुल सही आंसर आपका ए हो जाएगा। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो होगा, इन्वायरमेंट प्रोग्राम आपका यही सही जवाब हो जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम आपका ए आंसर सही है। यूपीआई, यूपीआई करते हो अपना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपका मिलता है, उससे आपका ए आंसर हो जाएगा। यूएसपी क्या है, कहते हैं ना हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी ये है, यानी यूनिक आपका सेलिंग प्रोपोजिशन जो कहलाता है वो आपका यूएसपी होता है। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन का एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सही जवाब आपका ए हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वैट क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है, सी जवाब, ठीक है। वीपीएन क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपका वीपीएन कहलाता है, बहुत सही। WFP क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। चलिए WPI क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। PMFBY क्या है, यानी प्रधानमंत्री, ये क्या है, फसल बीमा योजना, हाँ फसल बीमा योजना, बिल्कुल सही जवाब आपका ए हो जाएगा। PMU क्या है, उज्ज्वला, यू से उज्ज्वला योजना, गैस जो आपके बांटे गए थे ना फ्री, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए फ्री गैस की बात करी गई थी। सिमो क्या है, स्किल इंडिया मिशन ऑर्गेनाइजेशन को सिमो कहते हैं, ध्यान रखिएगा। MII क्या है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, ठीक है। NPA क्या है, नॉट परफॉर्मिंग एसेट, आपको पता ही है, आगे भागते हैं जल्दी जल्दी। NEFT क्या है, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। पिन क्या है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका पिन होता है, ये दोबारा शायद हो रहा है क्या। PFRDA जो होता है, पीएफ मतलब पेंशन का फंड होता है भाई, पीएफ मतलब पेंशन फंड, उसके रेगुलेटरी के बारे में बताएगा, तो आपका 110 का ए आंसर हो जाएगा। IRDA जो है IRDA, ये आपका इंश्योरेंस को रेगुलेटरी करने का काम करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी होगी वो इसके अधीन जरूर आपका अपने आपको रजिस्टर कराएगी। MSME क्या है, MSME
कहते हैं ना, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो होंगे वो आपके एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, कहते हैं ना आपके पास वन टाइम पासवर्ड आता है ओटीपी, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये आपका दोहराया जा रहा है। एनएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो जाएगा। बात करते हैं एनडीपी क्या है, एनडीपी जो है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका। बात चलिए अब बात करते हैं आपके 121 सीपीआई क्या है। सीपीआई जो है आपका वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है आपका। कौन सा आपका सीपीआई जो होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। एमपीसी के बारे में अगर मैं बताऊं तो एमपीसी क्या होता है, एमपीसी जो होता है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कैपिटल, यानी कि अगर एमपीसी के बारे में बात करूं मैं तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करने के लिए आंसर सी हो जाएगा। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम जो आपका रिटेल प्राइस होता है, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीसीआई का पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा इनकम होता है वो आपका पीसीआई है। बात करते हैं आपके एफआरपी के बारे में, हाँ, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो होता है वो आपका एफआरपी होता है। सीएसीपी क्या होता है, सीएसीपी जो होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के बारे में जो बात करता है वो आपका क्या हो जाता है, आपका वो आपका ए हो जाएगा। 127 सीपीईसी क्या है, सीपीईसी बेसिकली चाइना और नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसी को सीपीईसी कहते हैं। ये जो आपका सीपीसी है ना, चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ध्यान रखेंगे ये सही जवाब हो जाएगा, इंडिया नहीं चाइना। बीआरआई इंडिया और चाइना के बीच में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। बीआरओ का बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन, आपका ये सही जवाब हो जाएगा, बी आंसर। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्या रहे, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म रहे, आई होप इनसे क्वेश्चन बनने चाहिए। और ये छोटा सा प्रयास है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद, मिलते हैं और इसी तरह के स्पेशल वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।